हाथों में डोरी, बस इतना छोटा सा सेंटेंस सब शास्त्रों वेदों का सार है। गीता, भागवत, रामायण सब इसी में है। गीता को ले लो, अर्जुन युद्ध करने गया, युद्ध के पहले भगवान के पास गया था हेल्प मांगने, और दूसरी पार्टी दुर्योधन, वो दुर्योधन भी गया था, दोनों रिश्तेदार थे श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण आंख मूंद कर सोच रहे थे कि ये दोनों मांगने आए हैं, मैं किसको दूं। आंख खोला तो पैर की तरफ अर्जुन खड़े थे, द्वारिका की बात है। ओ अर्जुन, तुम कैसे आए, कब आए, जरा हमको नींद आ गई थी, एक्टिंग कर रहे हैं श्री कृष्ण। इतने में दुर्योधन बोला, अरे मैं पहले आया था कृष्ण। अच्छा अच्छा तुम भी आए हो, तुम दोनों कैसे आए हो भाई, तो बताया कि युद्ध होने जा रहा है तो हम लोग हेल्प के लिए आए हैं। तो अब हेल्प के लिए आए हैं का मतलब तो ये हुआ कि हमारी हेल्प करो, दुश्मन की ना करो, ये बात दोनों कहेंगे। तो भगवान ने बड़ी चालाकी की, उन दोनों के बोलने के पहले शर्त रख दी और उसी में परीक्षा भी थी। भगवान ने कहा देखो भाई, एक पार्टी में तो मैं रहूंगा बिना हथियार के, हथियार नहीं पकड़ूंगा चलाने की कौन कहे। और मेरी फौज भी एक सिपाही भी नहीं रहेगा, केवल मैं रहूंगा। और एक पार्टी में 18 अक्षौहिणी सेना रहेगी, 18 अक्षौहिणी सेना का मतलब होता है 48 लाख आदमी। उसमें 4 लाख हाथी हैं, 4 लाख घोड़े हैं और पैदल भी हैं, अनेक प्रकार के होते हैं जैसे युद्ध में प्राचीन काल में वो सब थे।
तो भाई तुम दोनों में जिसको जो लेना हो बोलो। तो दुर्योधन पहले बोल पड़ा, उसने कहा मैं फौज लूंगा। अरे तो गधे की अकल की बात है, वहां कोई पूजा करना है क्या, तुमको लेंगे हम निहत्थे। अगर हथियार चलाने की शर्त रखते तो हम मान भी लेते कि भाई वो बहुत एक्सपर्ट है हथियार चलाने में। तो अर्जुन ने कहा भाई ठीक है भाई, अब ये मांग लिया इन्होंने तो अब आप बचे हैं, आपको हम मांग लेते हैं। आप सब लोग सोचिए यहीं पर कि अर्जुन ने केवल भगवान को बिना शस्त्र के क्यों मांगा। अरे घोर मूर्ख भी कोई हो तो कहेगा कि महाराज ये कौन सा बंटवारा है आपका, आप किसी तरफ मत रहिए, आपकी जो फौज है 18 अक्षौणी, 9 अक्षौणी हमको दे दीजिए, 9 दूसरी पार्टी को, ये न्याय है। आप तो न्यायाधीश हैं, ऐसे फैसला कर दीजिए, ये कौन सा जजमेंट है, निहत्थे आप रहेंगे। अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा, अर्जुन ने कहा मैं आपको लूंगा। तो इसका मतलब यह है कि अर्जुन को पता था श्री कृष्ण कौन है, भगवान है, ये पता था कि जहां भगवान रहेंगे वहीं विजय होगी। भगवान के आगे 18 अक्षौहिणी क्या, करोड़ अक्षौहिणी भी हो। हाँ अब देखिए एक्टिंग, चले गए दोनों अपने अपने तैयारी करने युद्ध की। तो पांडवों के पक्ष में छोटी सी फौज थी और कौरवों के पक्ष में बहुत बड़ी फौज। अरे श्री कृष्ण के ही 18 अक्षौहिणी और उनके अपने सब जो राजा महाराजा थे रिश्तेदार वो सब तो थे। अर्जुन ने कहा सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। गीता शुरू हुई पहले अध्याय का 21वां श्लोक। कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो ताकि मैं देखूं कि किससे युद्ध करना है। अब देखिए आप लोग यहीं पर ये कितना गलत है। तुमको पता नहीं किससे युद्ध करना है, अरे तुमको यही नहीं पता है किससे युद्ध करना है। कौरव से करना है। खैर श्री कृष्ण तो आज्ञा पालन करना था उनको, क्योंकि वो तो ड्राइवर बन के आए थे, रथ को हांकना है, जो आज्ञा होगी अर्जुन की उसका पालन करना है, जिस समय जो कहेंगे भगाओ बाएं करो राइट डाउन करो, जिस समय जो काशन देंगे अर्जुन वो श्री कृष्ण को मानना पड़ेगा। आई सर्वेंट
खड़ा किया रथ, देखा ये हमारे पितामह हैं, ये अंकल हैं, ये फंकल हैं, तमाम सब रिश्तेदार हैं, बड़े बड़े पूज्य हैं, और गुरुजी भी हैं हमारे इसमें, द्रोणाचार्य जिन्होंने दिखाई वो भी है दुश्मनों में, इन सबको मारना है। सोचा अगर इन सबको मैं मार दूंगा तो इनकी स्त्रियां विधवा होंगी, इनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और बहुत सी स्त्रियां करैक्टरलेस हो जाएंगी। हे महापाप, अब मुझको मिलेगा क्या? पृथ्वी, तो पृथ्वी से तो कोई आनंद मिलना नहीं और न माया जाएगी। ये दो ही उद्देश्य तो है जीव के, दुख चला जाए आनंद मिल जाए। तो उसने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। बताइए ऐसी पोजीशन में श्री कृष्ण का क्या हाल हुआ होगा, वो क्या बोले? अरे तूने हमको मांगा था निहत्था, तब तो तुझे ज्ञान था कि मैं भगवान हूं, अब क्या हो गया है? मेरा भरोसा ही नहीं रहा तुझको। महाराज आपका भरोसा है, आप हमारे गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु, लेकिन ये पाप तो होगा ना जो मैं बता रहा हूं। अच्छा आप बताइए युद्ध में क्या क्या मिलता है? तो श्री कृष्ण ने कहा हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम। अगर तू जीत गया तो पृथ्वी मिलेगी, अगर मर गया तो स्वर्ग मिलेगा, दोनों हाथ लड्डू। तो अर्जुन ने कहा एक बात बताओ, स्वर्ग में आनंद है? आनंद आनंद नहीं है, वहां भी माया है, और वो भी कुछ दिन के लिए मिलेगा, हमेशा के लिए नहीं। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशन्ति 9:21, जहां पुण्य समाप्त हो गया मृत्यु लोक में आ गए, और पृथ्वी तो ये तो हमको मिल ही रही है, हम देख ही रहे हैं, यहां आनंद नहीं है। तो महाराज युद्ध करना और इतना बड़ा पाप करना ये सब मैं नहीं करता, मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग, नहीं चाहिए पृथ्वी। तब भगवान ने बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर दिया, वेदांत न्याय सांख्य मीमांसा पातंजल वैशेषिक सब दर्शन शास्त्रों को गीता में इसलिए किया कि संसार भर को एक ही बुक में 700 श्लोक में सब शास्त्र वेद मिल जाए। अर्जुन के लिए नहीं, अर्जुन तो पहले ही शरणागत है, अन्यथा श्री कृष्ण को निहत्था मांगते ही ना। इससे बड़ा और क्या स्ट्रांग पॉइंट होगा?
कि निहत्था श्री कृष्ण को मांगना सिद्ध करता है कि वो जानता है वो भगवान है, और जहां वो आएंगे जिस पक्ष में उसकी जीत होगी। तो ये जो बीमारी उसने एक्टिंग में बीमारी उसने बताई थी कि पाप होगा, आपका वेद कहता है। वेद में धर्म का निरूपण है ना, तो उसमें तो लिखा है सब पाप है, इतनी हत्याएं करना अपने स्वार्थ के लिए। भगवान ने कहा कि देखो ऐसा है कि हत्या करना, क्या हत्या की सोचना भी पाप है, ये फैक्ट है, लेकिन आतताई को मारना पाप नहीं है। ये सब कौरव आतताई हैं, पापात्मा हैं। और नंबर दो, अगर मन मुझ में रहे और तू मर्डर कर तो पाप नहीं लगेगा। पाप पुण्य अटैचमेंट से संबंध रखता है। दुश्मनी से मारा ये पाप, देखो मिलिट्री होती है अपने देश की, वो दूसरे देश की मिलिट्री को मारती है, जितना अधिक मारे, जितने बड़े ऑफिसर को मारे और महावीर चक्र मिलेगा। और खुलेआम वो कहता है मेरी गोली से मरा है उनका ब्रिगेडियर। तो श्री कृष्ण की आज्ञा से तू कर रहा है ना, तेरी पर्सनल, तेरा इंटरेस्ट नहीं। तू कहता है मुझे पृथ्वी नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, तो तू बस गुरु की आज्ञा का पालन करके मर्डर कर। तो ये अन्याय करने वाले खत्म हो जाएंगे, तो अन्याय खत्म होगा, पाप समाप्त होगा। तो तू जो बुद्धि लगा रहा है कि पाप होगा, तो पाप तब होता है जब उसकी मंशा हो। मंशा के बिना पाप पुण्य नहीं हुआ करता। रोज मरा करते हैं लोग एक्सीडेंट में, अगर साबित हो जाए कोर्ट में ड्राइवर भी ठीक था, नशे में नहीं था, ब्रेक भी ठीक है, साइड भी ठीक है, जबरदस्ती आके गाड़ी के आगे पड़ गया, मर गया, तो सजा नहीं होती। मंशा, तो तेरा मन मुझ में रहे तो मंशा खत्म हो गई, फिर तेरे कर्म का फल नहीं मिलेगा। यानी जो बुद्धि का समर्पण नहीं था पहले अध्याय में, तो 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं मैं एव मन आधत्स्व मैं बुद्धि निवेश है, मन बुद्धि दोनों मुझको दे दे, बुद्धि मत लगा। ये शरणागति है, बुद्धि के तो मेन शरणागति है। ये बुद्धि ने तो हमारे अनंत जन्म बिगाड़े, अनंत जगत गुरु मिले,
लेकिन हमारी बुद्धि ने उनकी शरणागति नहीं की या कम की, कुछ तेरी कुछ मेरी, ऐसी शरणागति है। कुछ तो गुरु जी की मान लिया, कुछ अपनी अकल लगा दिया, इसलिए गड़बड़ हो गई। तो तू जो अपनी अकल लगा रहा है पाप पाप, त्वाहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। पाप तब लगता है जब भक्ति रहित कर्म करे। तू मन मुझ में लगा दे, ये भक्ति हो गई। अब तू मर्डर कर तो कर्म कर्म नहीं है, एक्टिंग है, उसमें मंशा नहीं है तेरी। Just.
मन दे चुनौती आ जा मोही हरा दे मन दे चुनौती आ जा मोही हरा दे तेरा तनु तो
तू तो
गुण ते निकालो पूर्ण पूर्ण बचा दे। Yes।
गोविंद रा
प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली।